चटपटे और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का जलवा अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जोर शोर से चल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती रिलीज होने के बावजूद भी सलमान खान की टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। 22 सितंबर के दिन रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है ने देश भर से बुधवार के दिन करीब 23 लाख रुपए की कमाई की है। इस हिसाब से फिल्म ने टोटल करीब 338 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। सलमान खान की इस फिल्म को रिलीज होते ही आज करीब करीब 42 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सलमान के फैंस एक बड़ी तादाद में सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं। वैसे इस फिल्म से सलमान खान को बहुत उम्मीदें थी। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ पर फिल्माया हुआ गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत अभी भी दर्शकों की जुबान पर सर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ का जोरदार एक्शन अवतार भी दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ करीब 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर एक साथ दिखे हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म करीब करीब 400 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, लेकिन अभी इस 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए सलमान खान को थोड़ा और इंतजार करना होगा।